हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होगी, पिछली वीडियो से ज़्यादा नहीं होगी, बट मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो को भी और भी ज़्यादा फैंटास्टिक बनाने के लिए। सॉरी माइक का थोड़ा आवाज़ आ जाएगा, ये माइक हिल रहा है बट आप चला लेना। तो फिर आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले। मेरे पास जो ब्रॉलर्स हैं उनमें से कम 5 ब्रॉलर्स को हम टॉप 5 में डालेंगे, जो हेल्थ के साथ भी अच्छे हैं और हेल्थ का इतना नहीं है लेकिन डैमेज और उनके साथ जितने मैंने विन्स लिए उसके हिसाब से। और मैं उनको लेवल वाइज या उनके पावर लेवल वाइज ऐसा मैं कब उनको नहीं करने वाला हूँ, मैं उनको मेरे हिसाब से करूँगा कि वो कितना अच्छा खेलते हैं मेरे साथ और वो मतलब कितने अमेजिंग है, कितने मैंने उसके साथ मैचेस जीते हैं वो ब्रॉलर के साथ, वो पर्टिकुलर ब्रॉलर जिसको मैं रैंक करूँगा तो उसके साथ मैंने कितने मैचेस जीते हैं और कितने मैचेस हारे, उस हिसाब से उस एक पर्टिकुलर बेसिस पे आज हम लोग रैंक करने वाले हैं इन सब ब्रॉलर्स को। तो अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। और एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप इस वीडियो पे 20 लाइक्स कर देते हो तो फिर जो अगला वीक रहेगा मंडे, तो वो मंडे टू फ्राइडे पूरा वीक जो रहेगा वो टॉप 5 ब्रॉलर वीक रहेगा। यानी अगर आप इस वीडियो पे 20 लाइक कर देते हो तो फिर आपको मैं हर दिन, यानी ये चैनल में पहली बार होगा कि हर दिन मैं 5 दिन टोटल में वीडियो बनाऊंगा वो 5 ब्रॉलर्स के साथ जिनको आज मैं टॉप 5 में रैंक करने वाला हूँ। तो फटाफट से अभी जाके वीडियो को लाइक करो और एक बहुत ही बेहतरीन सा कमेंट, जैसा कि आप करते हो वैसे एक बहुत ही बेहतरीन सा कमेंट कर दो ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब जल्दी। और बाजू में बेल आइकन रहेगा उसको भी बजा देना, ये मैं बहुत टाइम बाद बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैंक 5 में अगर मैं किसी को रैंक करता हूँ तो वो होगा 8 बिट। अब आप बोलोगे कि बहुत से लोग इससे सहमत रहेंगे कि हाँ 8 बिट एक अच्छा ब्रॉलर है, जिनके पास 8 बिट रहेगा, जो लोग 8-7 हज़ार के आगे हैं वो लोग तो पक्का इससे सहमत रहेंगे कि हाँ वो ब्रॉलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिर अब मैं बताता हूँ मैंने उसको इस पर क्यों रखा है। मैंने जितने भी वीडियोज़ में 8 बिट के साथ गेम प्ले किया है तो वो सब वीडियोज़ में मैंने यही चीज़ बोली है कि वो इतना सही पावर लेवल है फिर भी वो इतना डैमेज दे पा रहा है, मतलब वो आगे जाएगा अगर तो उसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा खतरी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक और अमेजिंग रह जाएगा। और मैंने ये हर बार बोला है, मैंने सब वीडियोस में नहीं, मैं अपने सब दोस्तों को जो लोग ब्रॉल स्टार्स खेलते हैं उन सबको मैंने ये चीज़ बताई है कि 8 बिट इज सुपर, 8 बिट बहुत अच्छा खेलता है और इसीलिए मैंने उसको रैंक 18 तक कुछ कर लिया है और अभी उसको मैं रैंक 20 पे करने जा ही रहा हूँ। तो फिर इसीलिए ही डिजर्व दिस। अगर हम रैंक 4 की बात करें तो रैंक 4 के लिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ था कि रैंक 5 में एक बार मैं इसको रख सकता हूँ, बट ऐसा ब्रॉलर जो 8 बिट से ज़्यादा बेहतर हो हेल्थ वाइज भी और डैमेज वाइज भी, क्योंकि 8 बिट जो मेरे पास है उसका हेल्थ स्पॉन होने के बाद ही उसका हेल्थ सीधा 5 हज़ार के ऊपर जाता है और खेलते वक्त उसका और बढ़ जाता है पावर क्यूब से। तो फिर अब मैंने सोचा कि ये चलो हेल्थ वाइज नहीं लेकिन डैमेज वाइज और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा एक ब्रॉलर चुनना पड़ेगा जो रैंक 4 डिजर्व करे और वो बहुत अच्छे से फिट हो जाए। तो मुझे मिल गया वो ब्रॉलर और वो है डेरिल। अब आप सोच रहे होंगे कि डेरिल ये रैंक पे क्यों आया है, तो फिर मैं बता दूं, भले ही वो एक शॉर्ट रेंज में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैठता है बट मैं ज़्यादा उसको अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ। शॉर्ट रेंज में ज़्यादा जल्दी यूज़ नहीं कर पाता लेकिन हाँ इस ब्रॉलर को मैं अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है इस रैंक के लिए, क्योंकि इसका जो हेल्थ है वो भी अच्छा है, ये डैमेज देता है वो भी बहुत फंटास्टिक है, यानी ये 2-4 हिट में ही बंदे को ऐसे ही ले लेगा। तो मतलब अगर ये और आगे रहेगा तो फिर ये और कितना धूम मचा देगा सच में, तो इसलिए उसको मैंने ये रैंक दिया है। तो अब बिना देरी किए बढ़ते हैं रैंक 3 की तरफ। ओके रैंक 3 अगर हम सोचते हैं तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ था। रैंक 1 और रैंक 2 तो मैंने पहले से डिसाइड किया था बट ये जो 3 रैंक थे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे, क्योंकि 27 ब्रॉलर्स में से सिर्फ 5 वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबको ट्राई करना रहता है, सबकी राय लेनी पड़ती है, वो लोग को जज भी करना रहता है। और उस हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि रैंक 3 पे अगर कोई आ सकता है तो वो है बुल। अब मैं इसको रैंक 2 पे रखने वाला था लेकिन उसके बाद मेरे को रैंक 2 वाला ब्रॉलर मिला, वो आप रैंक 2 में देख लेना। लेकिन अब रैंक 3 की अगर हम बात करते हैं तो फिर बुल इसमें ज़्यादा परफेक्ट बैठता है, डेरिल भी बैठ सकता था बट मैंने सोचा कि बुल ज़्यादा अच्छा है। डेरिल थोड़ा सा अटक गया ओनली बिकॉज उसका जो सुपर पावर है उसकी वजह से, बट बुल का सुपर पावर है या फिर उसका हेल्थ है या फिर उसका डैमेज है, सभी चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एक शोडाउन मैच में उतरने के लिए या फिर कोई दूसरा मैचेस 3v3s में उतरने के लिए, ये जो ब्रॉलर है ये ज़्यादा अमेजिंग। तो फिर अब मैं पहले सोचा कि नहीं एक बार इसको ट्राई करके देख लेते, बट बुल एक ऐसा इकलौता ब्रॉलर है जिसको मैंने ये हफ्ते खेला, जब मैंने लास्ट वीडियो ब्रॉल पास ओपन वाला किया था तो फिर उसके बाद मैं बुल के साथ भी खेल रहा था और मैंने हर मैच में टॉप 5 में आया, मैंने हर मैच में मतलब टॉप 5 आया, बहुत सारे मैचेस में बैक टू बैक शोडाउन में जीत गया, तो इसी वजह से मैंने उसको रखा है। और इवन मुझे उसके साथ इतना मज़ा आया सच में, वो ब्रॉलर इतना अमेजिंग है कि मैंने उसको रैंक 20 तक खींच लिया और मैं उसको सोच रहा हूँ कि और आगे बढ़ा लूँ। तो अब बिना देरी किए सबसे एक्साइटिंग रैंक 2 और रैंक 1 की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब रैंक 2 की बात आती है, तो ये बहुत ही मेरे लिए सिंपल था क्योंकि रैंक 2 मुझे पहले ही मिल गया था। रैंक 1 तो मेरे पास था ही, रैंक 2 जो था वो भी मुझे बहुत पहले मिल गया था, वो है मैक्स। अब ये चीज़ से बहुत सारे व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं उनमें से कम से कम 90% व्यूवर्स अग्री कर ही लेंगे, क्योंकि मैक्स का पहली बात तो 4 रिकॉइल्स है जो उसके उसको सबसे ज़्यादा अमेजिंग यही चीज़ बनाती है। ऊपर से उसका डैमेज लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों जगह बहुत अच्छा है, और उसकी स्पीड इज़ ऑसम अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग, क्योंकि उसकी स्पीड की वजह से वो बहुत बार बहुत ब्रॉलर्स से ऐसे ही डॉज कर लेता है, और अगर उसका सुपर आ गया तो वो मतलब मिल्खा सिंह बन के ही भाग जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको रैंक 2 पे रखा, और रैंक 2 के लिए वो परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं सुपर परफेक्ट, मतलब प्रो है वो इस रैंक के लिए, ज़्यादा हो गया। तो अब चलते हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रैंक 1 की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो रैंक 1 पे जो ब्रॉलर आएगा तो वो ब्रॉलर है स्पाइक। ओके, तो स्पाइक ये ब्रॉलर जो है ये बहुत लोगों ने पहले ही मतलब जान गए होंगे कि ये स्पाइक पे रखेगा, क्योंकि स्पाइक लेजेंडरी भी है, उसके हिट्स बहुत अच्छे हैं, और इवन अब वो उसको मैंने जो पिछले वीडियो में रैंक 9 कर दिया, सॉरी पावर लेवल 9 कर दिया है, तो वो और भी ज़्यादा ऑसम बन गया कि अब वो रैंक 22 नहीं 23 तक मैंने उसको खींच लिया, और अब मैं उसको 25 30 30 नहीं 25 तो मैं कर ही लूँगा आराम से उसको, और वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। अगर मैं उन 27 में से अभी अगर अपने मीन्स 27 को रैंक करना है मुझे आगे पीछे टॉप 27 में भी, उसको मैं रैंक 1 पे ही रखूँगा, क्योंकि ही इज़ ऑसम, ही इज़ अमेजिंग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलता है वो, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्रॉलर है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आपको याद रखना है कि आपको इस वीडियो पे 20 लाइक्स करना है ताकि आप टॉप 5 वीकडे जो मेरे वीडियोस आएंगे टॉप 5 वाले वो मैं अपलोड करूँ, और आई एम रियली रियली श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आप मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। इवन मैं भी जब अपलोड करूँगा मैं भी एक्साइटेड रहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पर कभी भी मैंने बैक टू बैक वीडियोज़ अपलोड नहीं किए, और ये जो 5 दिन रहेंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो शायद वो सीज़न ही हो जाएगा टॉप 5 वाला। तो फिर अगर आप इस वीडियो पे 20 लाइक कर देते हो, जो आप कर ही दोगे वैसे भी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, तो फिर वो जो टॉप 5 वाला वीकडे सीज़न है तो फिर वो मैं लॉन्च कर पाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो अगला जो सीज़न रहेगा वो अमेजिंग रहेगा, और आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।